हाय दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्ड कैसे आप लोग बनाइएगा। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल ओपन करना है और सर्च करना है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड से के बाद आभा नंबर का ऑप्शन पहले वाला आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में दिखने में मिल जाएगा क्रिएट आभा नंबर, इसमें आपको क्लिक करना है। दोस्तों लॉगिन भी कर सकते हैं आप लोग, तो पहली बार कर रहे हैं तो क्रिएट आभा नंबर में आप लोग दोस्तों क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप पेज पे आ जाइएगा, आभा नंबर, तो यहाँ पे यूजिंग आधार में आप लोग क्लिक कीजिएगा, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसीजर है, आप लोग पढ़ सकते हैं उस। यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर जो है आपका, वो आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना 12 डिजिट का नंबर फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों आई एग्री का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा, ठीक है। और आभा के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बताया गया है। इसका बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों, 5 लाख तक का बेनिफिट मिलने वाला है, तो ज़रूर इसको दोस्तों कार्ड को बनाइए। तो कोई भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोग ये कार्ड बना सकते हैं दोस्तों, कोई भी आपको पैसा लगेगा नहीं। फिर दोस्तों आप लोग जब क्लिक कीजिएगा तो आपका एक OTP आएगा आई एग्री के बाद। यहाँ पे जो आधार नंबर है उसमें दोस्तों आपको OTP आएगा, तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट का OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज में लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपका आभा कार्ड बन के तैयार हो जाएगा विद इन 2 मिनट का अंदर दोस्तों। तो कुछ इस तरह से कार्ड आपको मिलेगा आयुष्मान भारत का, हेल्थ कार्ड का। तो जरूर इस कार्ड को बनाइए, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।